बड़ालगंज थाना क्षेत्र के दवना डी गांव में रविवार की रात ब्रह्मभोज से समर्थकों के साथ लौट रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बाइक और बोलेरो से आए दर्जन भर बदमाशों ने गांव के पास घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हमले में श्याम नारायण तो बच गए, किंतु कल्याणपुर मिश्रोलिया गाँव का 30 वर्षीय युवक शिव मौर्या की मौत हो गई, जबकि श्याम नारायण के भतीजे चंद्रशेखर सहित 2 युवक घायल हो गए। उनका बड़हलगंज में इलाज चल रहा है। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस में 4 साल पहले भी एक युवक की हत्या हो चुकी है। आपको बता दें कि दवना ढील निवासी इंद्रसेन यादव की माता का निधन हो गया था। रविवार को उनका ब्रह्मभोज था। इंद्रसेन यादव के चचेरे भाई प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष पंचायत सदस्य श्याम नारायण यादव बड़हलगंज क्षेत्र में ही मधुपुर चौराहे पर घर बनवा कर रहते हैं। भतीजे चंद्रशेखर उर्फ आज़ाद यादव व एक अन्य युवक के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से ब्रह्मभोज में शामिल होने गए थे। बगल गांव के कल्याणपुर मिश्रौली निवासी सूर्य शिव मौर्य और शैलेश यादव भी ब्रह्मभोज में आए थे। रात में 10 बजे के आसपास खाना खाने के बाद श्याम नारायण यादव भतीजे और उसके साथ आए युवक के साथ घर लौट रहे थे। श्याम नारायण बाइक पर बीच में बैठे थे और उनका भतीजा पीछे साथ आया हुआ युवक बाइक चला रहा था। शिव मौर्य और शैलेश यादव भी उसी समय एक बाइक से घर जाने के लिए निकले थे। अभी वे लोग इंद्रसेन यादव के दरवाजे से निकले ही थे कि घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें शिव मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई तथा आज़ाद यादव और शैलेश यादव घायल हो गए। आज़ाद यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल से पुलिस ने हमलावरों की एक बोलेरो और एक बाइक कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, शाम राय नेता आगे जा रहे थे जी। तो पीछे तो हम लोग नहीं जाए, हम क्या जाए, उनको अटैक किया, लोग चला दिया। सर हम गिर गए थे, गोली लगी, हम भाग के गवा चुके थे। हम रात को फोन देखते थे कहाँ था मालूम नहीं, सर देखे नहीं। हम लोग गए थे, हमारे घर में एक मरी थे, वही हम लोग खाना खाते हम कहें चलिए ठीक है छोड़ देते हैं। तो हम अपना बुलेट गाड़ी लेकर गए उनको छोड़ने के लिए। रास्ते में 2 पोल हैं, उसी पर पहले से बैठे थे और वही गोली चला। सुनील यादव सन ऑफ स्वर्ग जवाहर यादव, और अश्विन यादव सन ऑफ राजेश यादव, अश्विन यादव सन ऑफ राजेश यादव, सन ऑफ राजेश यादव। हाँ, और 3 लोग अज्ञात थे। 3 लोग अज्ञात थे जी। कितने लोग थे, लगभग कितने लोग थे उन लोग? उन लोग पाँच छः लोग थे। हाँ, आपको कौन गोली मारा देख पाए? हाँ, कौन मारा? सुनील यादव। सुनील यादव मारा जी। ये शिवा शिव कुमार मौर्या और को वही सब मारे वही। हाँ, हम तो लोग गाड़ी हम लोग गिर गए थे। हाँ, हम भी गाड़ी चला रहे थे, बुलेट चला रहे थे जी। अब पीछे आपको कौन बैठा था? पीछे हमारे एक बीच में थे। नेताजी किस पे बैठे थे? हमारे ही बुलेट। आपकी बुलेट में 3 लोग थे जी। आप थे और सुरेंद्र मौर्य थे। सुरेंद्र मौर्य जी। दोनों डी के हैं कि मिश्रौली के हैं? नहीं, दोनों डी के नहीं, वो हैं नेताजी की गाड़ी चलाते हैं। नेता जी गाड़ी चलाते। गोली कहाँ लगी आपकी? हाथ में लगी तो गाड़ी जी। ये 2 पक्षों में आपसी रंजिश की वजह से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोलीबारी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और एक बंदा अभी घायल है जो उस खतरे से बाहर है। इसमें नामजद फायर कर दी गई है और लगभग 10-12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और कोई भी इसमें अभियुक्त छोड़ा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा प्राथमिक जांच में सामने आया है, दोनों पक्षों के बीच में कोई पुरानी रंजिशें रही हैं इसमें।